ये जो ज़मीनें थे हमारे सैलाब की वजह से ख़राब हो गई है सर, और ये कुछ एनजीओज़ की वजह से, एनजीओज़ ने कुछ काम किया है, हुकूमत कुछ काम कर रहा है, तो कुछ कुछ ना कुछ तो बहाल हो गया है, लेकिन अभी शदीद ज़रूरत है फसलों को पानी देने का। दाबो इंजीनियर अफसरान चिराल उदीत बांधी एवडे रखा जत फ्लट रहा भाई, दुबई तरफ बांधने उभ पे रहा भाई दे आओ डेरा मुश्किल हुआ कहाँ कौन पा गा टेम की कम वाकई जमुंग कहो ब्याद आगे ना बाद मुंगा एक्सकेवेटर रहा भी तो यो 20-15 रोज मुंगा एक्सकेवेटर बांधे कार वाको अब दस दिन आगा तक तो रवाड़ो बल बल सेट तुम रवाड़ो लेकिन तुम लम कुछ भाई काबू की मरा भी तो आओ दागे मुताबिक ब्याह मुंदा सिकारो को एक्सकेवेटर मरा भी तो दे तरफ था बराबर को अद आगे ना बाद ब्याह बदी बानी मुंगा कार शोरू को तकरीबन सयो मियाँ शोश वे बदी बानी कार शोरू दे 50-60 मजदूरान बदी की कार कही दागे दागा जेवेर मुताबिक आगे ट्रैक्टर उदा आगे कम सप्लाई चुहा लावल पदी सप्लाई मुंगता ना कहता जी दट मट दला सा बस अलहमदुल्ला कार रवान ने कार उस मुंग काबू के आगिस्ते दे इस सैलाब में हमारे घर का सारा सामान पानी में बह गया है, सारा सामान, सिर्फ हम घर से निकल चुके हैं जिंदा। 3-4 आदमी का तो लड़का का तो मैंने शादी किया, इस शादी का कितना सामान था, हर कमरे में तो पड़ा था, 4 कमरे पर तो बड़ा वो पड़ा है, पर वो तो सारा पे पानी में डूब गया, पानी से निकाल के धूप में डाल दिया, कुछ जो खाना ख़राब हो, 4-5 पेटी कपड़े में तो ख़राब हुआ। सैलाब जब आया था ना तो नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ था, पहले जो है ना ये दरे पे जो पुल बना हुआ था उसको बहा के ले गया, जब वो ले गया तो हमारा उस तरफ राबिता ख़त्म हो गया, तो महंगाई भी बहुत हो गई, इधर हमारे ज़मीनों को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया, और इतने नुकसान कि मेरे ख्याल में 1000 मन से ऊपर, सिर्फ यूनियन कौंसल समोजे की बात मैं कर रहा हूँ, 1000 मन से ऊपर जो है ना ये चावल का फसल, इससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल में नुकसान हुआ। हमारा फसल जो है इस पर मलबा पड़ा हुआ था और ज़मीन बुर्द नहीं हुआ है, लेकिन फसल सारा खराब हो चुका है। आवाम हो कोशिश पकई वाली चीज उसली तो वतन कार्ड मेला नो दगा कोशिश ते जी दगा वर्त मेला दिया खुद हुकूमत रख पल दगा ही कन दगा गा एंट्री हो सरी चीज देता दा मेला दे बाकी दी चुनूड़ पैसे वाले पकड़ दे हुकूमत वर के मिले हैं। हमने ये अखबार से एक कटिंग किया है, इसमें लिखा है कि दूसरा केस शुरू हो चुका है, हमने सुना है कि जिला जीर में दिया गया है, जिला जीर में, डिस्ट्रिक्ट जीर में, लेकिन स्वात में अभी तक शुरू नहीं हुआ। हुकूमत से जो हो सकता है तो हमको इमदाद दे दे, हम इमदाद के मुस्तहिक हैं। जितने भी गर्ल्स स्कूल है वो अक्सर बंद है, ये मैं बताता हूँ आपको, उधर जो डेमोग्राम चलेरा रंगेले इसमें गर्ल्स स्कूल तो 2-3 साल से बंद थे, अभी मेरे ख्याल में खुले है, लेकिन कोई इसमें ड्यूटी नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, मतलब है कि पोस्टिंग हुआ है लेकिन वो ड्यूटी पे नहीं जा रही है। इस स्कूल में भी ऐसे मसाइल है कि एक क्लास में स्टूडेंट बहुत होते हैं और रीबिल्डिंग भी अपना नहीं है, इसलिए हमारे प्रिंसिपल को चाहिए कि वो अपना बिल्डिंग खरीद ले, उसका बिल्डिंग अपना हो ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो।
स्कूल के साथ ग्राउंड्स भी नहीं है, कमरे नहीं है, इसके अलावा टीचर्स भी कम है। मेरे ख्याल में एक हाई स्कूल है और हाई सेक्शन में जो है ना 11 असातिज़ा हैं। हमारा जो इलाका है 2-3 स्कूल सरकार को चाहिए कि और बना दे, मिडल कम अज़ कम मिडल तो होनी चाहिए। बिजली का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था सैलाब से, बहुत बड़ा नुकसान हमारे इलाके का होता, तकरीबन 3 महीने तक बिजली नहीं थी इधर। तो फिर ये मैं आपको भी बताओ कि हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा था, अपनी मदद आपके साथ ये दरिया बह रहा था और लोगों ने है ना अपनी मदद आपके साथ वो जो है ना उस साइड पर आता था ये कुंभी जो बिजली का होता है उधर पड़ा रहता था, लोग जाके सरों पर मतलब है कि दरिया पर जो है ना इस तरफ लाता था और ख़ुद अपनी मदद आपके साथ हमने जो है ना इसको ये बिजली ठीक किया हुआ है। पिछले एक साल से ये फुल यहाँ पे नहीं था, अभी बन गया तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे इलाके के लिए, क्योंकि पहले बहुत सारे मसाइल होते थे यहाँ पे। तो यहाँ जब बारिशें होती थी तो काफ़ी सारे मसाइल होते थे, क्योंकि गाड़ी भी नहीं जा सकती थी इस पर नदी में ना, कि मरीज़ हो स्टूडेंट हो सारे अभी आराम से इसमें जा सकते हैं ना। मेरा नाम खालिद ख़ान है, मेरा ताल्लुक सवात के इलाके शमोजे से है और मैं पिछले 8-10 महीनों से IRC के लिए जो है काम कर रहा हूँ, फिल्में बना रहा हूँ। इसके लिए हमारे इलाके पिछली जो मैंने वीडियोस बनाई है, फिल्में बनाई है, ये यहाँ के हॉस्पिटल के लिए, यहाँ के 13-14 गांव के लिए ये एक ही हॉस्पिटल है, रूरल हेल्थ सेंटर खजाना, जिसमें जिसके मसाइल अगर बयान की जाए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मेन मसले जो बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है मैं वो बयान करना चाहूँगा कि मैंने जो वीडियो बनाई है जो फिल्म बनाई है यहाँ के स्टाफ से जो इंटरव्यूज़ लिए उसके मुताबिक यहाँ पे जो है MBBS डॉक्टर्स जो है अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे जो है एक्सरे डिपार्ट जो है एक्सरे ब्लॉक है वो सही काम नहीं कर रहा, कह रहे कि वो तकरीबन 4-5 साल से जो है मशीनें ख़राब हो गई है, मतलब यहाँ पे किसी भी पेशेंट के लिए कोई भी एक्सरे वगैरह नहीं हो रही। उकामी बाला जो है IRC की तौन से मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस हॉस्पिटल को जो है जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो फराहम की जाए ताकि यहाँ के लोगों के जितने भी मुश्किलात है वो हल हो सके।